छत्तीसगढ़ में महादेव बुक मामले में पूर्व सीएम पर हुई एफआईआर के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं आज लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा, महादेव की कृपा पूर्व सीएम पर हो रही है। आइए सुनवाते हैं आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। महादेव जी का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोरी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने यहां पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं? ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए।